भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के चलते हुई फायरिंग। कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग से मची अफरा तफरी। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो तेजी के साथ हुआ वायरल। कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर में आयोजित हुआ था भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम। फायरिंग और हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार। भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है आरोपी युवक। प्रचार कर रही एलईडी लगी गाड़ी में लगी गोली। ये भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार द्वारा जी। उसमें हम क्या कहते हैं बैन है जो एडवर्टाइज की, इसमें काम करते हैं, इसमें मैं एंकर हूँ, योजना को समझाता हूँ, उसके बाद एलईडी चलाई जाती है जी। ये काम करते हम गाड़ी में बैठे थे अंदर, देखा इधर बहुत तेज झगड़ा चलने लगा अचानक नेता लोगों में और भी लोग, तो वहाँ से गोली चली और फिर यहाँ आके लगी। यहाँ गोली कितनी चली होंगी? गोली तो चार बार। आपके अलावा और भी किसी के गोली लगी है? अभी तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, और किसी की तो आप ही के लगी है। हाँ। आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ था, कंप्लीट हो पाया प्रोग्राम या बीच में विफल हो गया? कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी शुरू भी नहीं हुआ था, आके लोग बैठे थे, अधिकारी वगैरह आए थे, नेता लोग भी आए थे, आके बैठे थे फिर, और उसके बाद पता नहीं क्या बहस हुई उनमें, बहस होने के बाद झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और अचानक गोली चला दी। क्या कुछ पता चला वो लोग कौन से जिन्होंने गोली चलाई? अधिकारी और नेता लोग थे, उनका नाम है जिला पंचायत है जगत सिंह। ये यहाँ देवापुर क्षेत्र में आज यहाँ कार्यक्रम का, यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, किसी बात पर उनके बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसमें जैसा बताया जा रहा है यहाँ कि एक पक्ष ने कुछ हवाई फायर किया है इन पर। अभी हम लोग जो लोग थे उनसे बात की हुई है और इसमें भी और जानकारी दी गई। किसी की गोली लगी है सर? नहीं, गोली लगने की पुष्टि नहीं है, गोली नहीं लगी, तो हवाई फायर नहीं हुई है। हल्के से फुर्सत है उसका मेडिकल। सर कितने राउंड फायरिंग हो गई? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हवाई फायरिंग की सूचना। कोई घायल भी है? नहीं, ऐसे कोई गोली से कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी फुर्सत है, शायद वो गिरने से लगी हो, ऐसा संभव हो सकता है।